हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों और देश में मौजूद उनके परिवार वालों के मन में नई उम्मीद जागेगी। ये खबर आई है भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद एक छोटे से देश से। भारत के सुदूर दक्षिण में 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हिंद महासागर का देश मालदीव। कोरोना की वजह से इस छोटे से मुल्क में हजारों भारतीय फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए नौसेना ने मेगा ऑपरेशन शुरू किया है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नौसेना के जिस जंगी जहाज को देख रहे हैं वो मालदीव की राजधानी माले के बंदरगाह पर खड़ा है। नाम है INS जलाश्व। इसमें सवार हो रहे लोग वो भारतीय हैं जो या तो घूमने के लिए या किसी काम के सिलसिले में मालदीव गए थे, लेकिन हवाई और समुद्री यातायात बंद होने की वजह से वहीं फंस गए। ऐसे ही 698 भारतीयों को लेकर INS जलाश्व केरल के कोची बंदरगाह के लिए निकल चुका है। नौसेना के मुताबिक ये जहाज कल कोची पहुंच जाएगा। इस कॉम्बैट शिप में 595 पुरुष 103 महिलाएं सवार हैं, जिसमें 19 गर्भवती और 14 बच्चे भी हैं। आपको बता दें कि विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन की शुरुआत की है। इसके पहले चरण में मालदीव से भारतीयों को लाने के लिए नौसेना ने अपने दो बड़े युद्धपोत INS जलाश्व और INS मगर को मालदीव की राजधानी माले भेजा है। माले में मौजूद भारतीय हाई कमीशन की देखरेख में इन भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। पहले चरण में करीब 2000 भारतीय वापस लाए जाएंगे, लेकिन वापस आने वाले भारतीयों को जरूरी मेडिकल स्क्रीनिंग होने के बाद ही वापसी की इजाजत दी जा रही है। साथ ही इनसे $40 का किराया भी वसूला जा रहा है। नौसेना के मुताबिक माले में फंसे सभी भारतीयों को कोची लाया जाएगा। दोनों ही युद्धपोत में क्रू और लोगों के लिए जरूरी सामान और स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना के कई और युद्धपोत खाड़ी और दक्षिण एशियाई देशों में रवाना हो सकते हैं। इस वक्त हम लोग इस काम में लगातार जुटे हुए हैं और हमारे नेवी के जो शिप्स हैं वो इस वक्त माले की ओर गए हैं कुछ सुविधाएं देने के लिए। पहले भी सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ साथ इंडियन ओशन रीजन में कुछ अन्य देश भी हैं जिनको हम लगातार सहायता देते रहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने एक इवैक्यूएशन प्लान का नक्शा जारी किया है, उसके तहत भी हमारी नेवी की जो शिप्स हैं उसमें मदद करेंगे ताकि वहाँ से भी फंसे हुए भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटा जा सके। विदेश से लौटने वाले भारतीयों को लेकर रक्षा मंत्रालय ने कोची सहित चेन्नई, विशाखापट्टनम, भोपाल, जैसलमेर और जोधपुर में क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं। समुद्र सेतु भारतीय नौसेना का हाल के सालों में तीसरा बड़ा ऑपरेशन है जब फंसे हुए भारतीयों को विदेश से वापस लाया जाएगा। साल 2015 में नौसेना ने यमन में हुए गृह युद्ध के दौरान ऑपरेशन राहत लॉन्च किया था। इससे पहले 2006 में भी लेबनान में भारतीय और दूसरे दक्षिण एशियाई नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया था।